दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भगवान सच में होते हैं? और जिन लोगों को भगवान के होने का एहसास नहीं है, ये वीडियो उनके लिए ही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान के कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भीड़ से बड़ी सड़क पर लोग आते जाते हैं, लेकिन उसी भीड़ के बीच शिव भगवान जी के मूर्ति के हाथ से अचानक त्रिशूल उड़ने लगता है और इसे उड़ता देख लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है एक सीसीटीवी कैमरा ने। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। क्यों विष्णु जी के सिर की जगह लगा घोड़े का सिर? तो देवी भागवत बताती है कि एक हेग्रीव नाम का एक राक्षस था जिसने भगवती जगदम्बा माता से तपस्या करके ये वरदान ले लिया कि उसका वध हेग्रीव नाम के राक्षस से ही हो सके और वो खुद को कभी मारेगा नहीं। लगभग वो अमर ही हो चुका था और उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवता ऋषि मुनि उससे प्राण बचाने हेतु त्राही त्राही करने लगे। तब ब्रह्मा जी संग सभी देवता लोग निद्रा में नींद श्री हरि जी के पास रक्षा हेतु पहुँचे। तब श्री हरि जी का शीश भयंकर गर्जन के साथ गायब हो गया और उसके जगह एक अश्व का सिर लगाया गया और ये रहा श्री हरि जी का दिव्य हेग्रीव अवतार। और श्री हरि जी का हेग्रीव नामक राक्षस से भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री हेग्रीव के हाथों हेग्रीव दैत्य का संहार हुआ और हेग्रीव को मारकर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के हाथों वेदों को पुनः सौंप दिया और देवताओं मुनियों और सारी सृष्टि की उन्होंने रक्षा की। दोस्तों, क्या आपको इस जानकारी के बारे में पहले से पता था? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में जय हेग्रीव देव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो रात के समय रिकॉर्ड किया गया था और ये व्यक्ति रात के समय मौसम को फिल्मा रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार बिजली की चमक आती है और उसमें शंकर भगवान जी का रूप दिखाई देता है। और आप भी देखिए ये वीडियो। और लोगों के माने ये शंकर भगवान ही है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय महाकाल लिखना मत भूलिएगा। आपने नंदी जी को हमेशा शंकर भगवान जी के साथ देखा ही होगा, और उनका जन्म कैसे हुआ और वो भगवान शिव जी के साथ कैसे मिले? तो शिव पुराण में लिखा है कि शिलाद नाम के महामुनि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनको कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी थे और उन्होंने सालों तक भगवान शिव जी की तपस्या करी और महादेव ऋषि जी की तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और उन्हें नंदी नाम का पुत्र वरदान में दिया। और नंदी जी महादेव जी का अंश माने जाते हैं और नंदी जी ने अपने पिता के समान भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की और नंदी जी के कठोर तपस्या के कारण महादेव जी ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। और नंदी जी ने महादेव जी को वरदान मांगते हुए कहा, मैं आपका ही अंश हूँ और मेरा जन्म आपके ही कृपा के कारण हुआ है और मैं सदैव आपके ही सेवा करना चाहता हूँ। और नंदी जी के भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें बैल का मुख दिया और उन्हें अपना वाहन बना लिया। और हिंदू ग्रंथों के अनुसार नंदी जी नंदेश्वर नाम से भी जाने जाते हैं और नंदी जी के इसी भक्ति के कारण हर मंदिरों में शिव जी के साथ साथ नंदी जी को भी पूजा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो 5 साल पहले महाशिवरात्रि के दिन रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक नाग भगवान शिव जी के ऊपर जो कलश है उसके साथ लिपटा हुआ है और उस नाग ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो गए। और ये रहा उस वीडियो के एक छोटे से क्लिप। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये नाग कलश से लिपट कर भगवान शिव जी के ऊपर दूध अर्पण कर रहा है और इसे ये करता देख सारे लोग हैरान हो चुके थे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।